हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरेंद्र सर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज लेकर आया हूं जनवरी महीने की करंट अफेयर का पार्ट टू। अगर आपने जनवरी महीने की करंट अफेयर का पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 15 से 31 जनवरी तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको बता दें कि इनके साथ साथ हम पिछले 6 महीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इनके साथ रिवीजन करेंगे। हम आपको बता दें कि आगामी होने वाली कोई भी प्रतियोगिता जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इस वीडियो से 100% आपको उन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है वासुदेव मोहित जी को। और ये वासुदेव मोहित जी प्रसिद्ध सिंधी लेखक हैं और ये पुरस्कार देती है के बिड़ला फाउंडेशन। और आपको बता दें कि बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 की 19वीं SCO प्रमुख की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, ये करेगा हमारा देश भारत। इस बार SCO प्रमुख की बैठक की मेज़बानी भारत करेगा और भारत में ये पहली बार ही हो रहा है जब SCO प्रमुख की बैठक भारत कर रहा है। और ये कुछ समय ही पहले सन 2019 में 19वां SCO शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बिश्केक में। और बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। ये किर्गिस्तान है, ये मध्य एशिया में पाया जाता है और किर्गिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी बिश्केक है। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। आपको बता दें कि फिलहाल इसके 8 देश मेंबर हैं। कितने? 8। ये देश कौन कौन से हैं? तो ये देश है उज्बेकिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ये 8 मेंबर कंट्री हैं इसके। और आपको बता दें कि SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। अब संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संघाई से आप इसका मुख्यालय संघाई मत समझ लेना। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी मध्य रेलवे ने डोरस्टेप बैंकिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आपको बता दें, ये समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? SBI के साथ। और इसमें दक्षिण मध्य रेलवे के 585 स्टेशनों में जो भी नकदी दिन में इकट्ठा होती है, जो भी रुपये आते हैं, उसको रेलवे को जाकर बैंक में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद बैंक रेलवे के पास चलकर आएगा और नकदी जमा करेगा, लेकर जाएगा। अगला पॉइंट है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो है सिकंदराबाद में।
और आपको बता दें भारत में अब कुल 18 रेलवे जोन हो गए हैं और 18वां बना है दक्षिण तट रेलवे, लास्ट ईयर बना था। बात SBI की है तो SBI का मुख्यालय है बॉम्बे में और इसके चेयरपर्सन बने हैं रजनीश कुमार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रजनीश कुमार जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सेबेस्टियन क्रुज जी। कौन बने हैं? ये बने हैं सेबेस्टियन क्रुज जी। और एक बात और, ये अब तक के सबसे युवा लीडर बने हैं और कुछ ही दिन पहले, इनसे पहले फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी सना मरीजी, पहले ये थी युवा, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की जो नए चांसलर बने हैं वो बन गए हैं युवा। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सेबेस्टियन क्रुज। हमारा अगला पॉइंट है भी, इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति सोहोलवर्क जेवड़े जी बने हैं और इसी तरह बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सोफी विलम जी और स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है जुजाना केपोटोवा। जुजाना केपोटोवा बनी है। और बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। आपको बता दें ओपेक का मुख्यालय भी वियना में है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विगन रेडर नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है भारत की वायुसेना ने और इसमें 500 से ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नसीर उल बहर और ये गोवा में हुआ था। और सी गार्जियन युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और चाइना के बीच हुआ और भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच युद्ध अभ्यास सहयोग कजिन भी शुरू हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस द्वीप पर 1,00,000 रोहिंग्यों शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई है? ये द्वीप कौन सा है? ये द्वीप है बासनचार द्वीप। इस द्वीप की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये मानसून के समय ना ये पानी से डूब जाता है। तो भाई अब ऐसा होगा तो देखो रोहिंग्यों के साथ क्या होता है, गलत बात है। देखो चलो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंडोनेशिया देश ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी काली मंथन स्थापित करने की घोषणा कर दी है। और द्वीप की बात है तो हाल ही में विलर द्वीप है ना, जो विलर द्वीप का नाम है बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे सन 2017 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड दिया है? ये अवार्ड दिया गया है सुमन कल्याणपुर जी को। और 2018 का ये पुरस्कार कुलदीप सिंह जी को दिया गया था। और सुमन कल्याणपुर जी से याद आया सुमन राव, लास्ट ईयर ही पढ़ा था। सुमन राव इसको मिस इंडिया 2019 का ये पुरस्कार दिया गया था और ये राजस्थान की है। और संगीत कला निधि का पुरस्कार दिया गया था एस सोमियानाथ जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नृत्य कला निधि का पुरस्कार दिया गया था प्रियदर्शनी गोविंद जी को। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है?
तो ये समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब आपको IUCN की फुल फॉर्म बता दें तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इस समझौते में अरुणाचल प्रदेश IUCN के साथ मिलकर आर्किड नामक पौधे का संरक्षण करेगा। अब आपको बता दें कि आर्किड नामक जो पौधा है ना वो बहुत ही खुशबूदार होता है और ये जो पौधे हैं ना वो ख़त्म होने की कगार पर है और उनको रेड लिस्ट में अंकित करेंगे ये मिलकर। अब बात IUCN की है तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ग्रंथी स्विट्जरलैंड में। और बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी। गवर्नर कौन है तो गवर्नर है BD मिश्रा जी। और कुछ समय पहले ही सुना होगा आपने पक्के पागा हॉर्नबिल। तो ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें हॉर्नबिल फेस्टिवल वो नागालैंड में मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो साथियों ये आयोजन किया गया है लद्दाख में। अब ये इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमियों को जोड़ना। अब बात लद्दाख की, तो लद्दाख के पहले गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर जी। और हाल ही में लोसर फेस्टिवल भी हुआ था, वो भी लद्दाख में हुआ था। और मनाली और लेह को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? रोहतांग। रोहतांग सुरंग का भी नाम बदलकर अटल जी के नाम पर कर दिया गया है। और हाल ही में नेशनल आइस हॉकी वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें लद्दाख ने दिल्ली को हराकर जीत ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में IUPAC ने किसे अपना ब्यूरो सदस्य चुना है? तो ये चुना है विपुल शाह जी को। ये विपुल शाह जी ना एक प्रसिद्ध केमिस्ट हैं और इस पद पर चुने जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको बता दें कि UPSC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका मुख्यालय जो है नॉर्थन कैलिफोर्निया में है। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं केलियन एम्बाप्पे सबसे मूल्यवान। और ये पेरिस और जर्मन की ओर से खेलते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर प्लेयर है ना लियोनल मेसी, जिन्होंने 6वीं बार बेलोंडी पुरस्कार जीता है। कहाँ के है पुरस्कार? ये अर्जेंटीना के। इनका नाम क्या है? लियोनल मेसी। तो हमारा अगला पॉइंट है अफ्रीकन प्लेयर सादिया मानो को अफ्रीका का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये लिवरपूल की ओर से खेलते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछ ले भी लियोनल मेसी है वो किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो आप बता दोगे फुटबॉल की ओर से। और किस देश से? अर्जेंटीना से। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों के इंटरनेशनल मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपको बता दें ये बनी है जैकलिन विलियम्स और ये वेस्ट इंडीज की है। और कुछ समय पहले ही ICC की पहली मैच रेफरी बनने वाली पहले भारतीय कौन बनी थी? तो ये बनी थी GS लक्ष्मी जी। कौन? GS लक्ष्मी जी। इम्पोर्टेंट है भाई। और फ्रांस की स्टेफनी फ्रॉफर्ट ये फुटबॉल वॉच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। कहाँ की है? फ्रांस की। नाम क्या है? स्टेफनी फ्रॉफर्ट।
और ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुष वनडे में पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। ये सभी के सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये सभी पॉइंट एक जगह कर दिए थे और इसलिए आपको पढ़ने में आसान हो जाए। और मतलब इस लेवल के या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको एक ही क्वेश्चन में सभी के सभी पॉइंट मिल जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं, किस बैंक के, IDBI के। तो ये बने हैं सुरेश किशन चंद जी। और IDBI बैंक के MDCO कौन है, राकेश शर्मा जी हैं। और हाल ही में इनसाइड बैंक के MDCO बने कौन, सुमंत कटपालिया जी। और PNB के कौन बने हैं MDCO, तो ये बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव जी। कौन बने हैं, SS मल्लिकार्जुन राव जी। IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है बॉम्बे में। हम बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में भारतीय वकील कौन से, भारतीय वकील हरीश सालवे जी को रानी का वकील नियुक्त किया गया है, किसे, हरीश सालवे जी। अब रानी का मतलब क्या है, रानी का मतलब है द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी बोल देते हैं जिसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पांचवा साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है गोवा में। अब गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। और देश का पहला GI स्टोर कहाँ खुला था, ये खुला था गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी और गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी। और हाल ही में 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, ये भी हुआ था गोवा में। हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ना भी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस समाप्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस समाप्ति कार्यक्रम। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक भारत में TB को ख़त्म करना, ये सरकार का लक्ष्य है। कब तक, 2025 तक। और TB दिवस कब होता है, TB दिवस होता है 24 मार्च को। और हाल ही में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग समाप्ति कार्यक्रम। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए विनिंग, हाँ तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर WV रमन जी के द्वारा। और WV जी रमन जी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं और इस पुस्तक का विमोचन हमारे पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले जी ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIC ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ की है, तो NIC ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की है बेंगलोर में। कहाँ किया, बेंगलोर में। और फुल फॉर्म ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को रखा जाता है। अब क्रिप्टोकरेंसी जैसे क्रिप्टोकरेंसी है बिटकॉइन, ATC क्वाइन, इस तरह ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे ऑनलाइन ही यूज किया जा सकता है और ये भारत में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है। फोन कंट्रियों में कई थां पर चल रही है लेकिन भारत में अभी तक ये प्रॉपर लागू नहीं हुई है क्योंकि इसका कोर्ट में केस चल रहा है।
एटीसी क्वाइन को लाने वाले थे भारत के अंदर सुभाष देवरिया जी, जिसको लेकर अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 2025 तक S-400 मिसाइल सौंपेगा? तो ये देगा रूस देश। और रूस के हाल ही में नए पीएम बने थे, कौन बने थे? ये बने थे मिखाइल मिशुटिशन जी। हाल ही में हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वजट बंदूक को सेना को सौंपा है, और इसका वजन कितना है? 50 टन। S-4 ये 43 किलोमीटर तक मार क्षमता रखती है, और इसे बनाया किसने है? ये बनाया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन की पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलेक्सी होचारुक, ओलेक्सी होचारुक। और हाल ही में क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? एवन जोरान मिल नोविक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ICC Under-19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है? किस देश में हो रहा है? ये शुरू हो रहा है साउथ अफ्रीका में। और हमारी जो भारतीय टीम है उसके कैप्टन कौन है? प्रियम गर्ग जी। और भारत 2018 में Under-19 वर्ल्ड कप जीत भी चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 4.8, और RBI ने ये लगाया था 5% रहने का अनुमान, और SBI ने 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो बात IMF की है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना उसी 1939 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। हाल ही में नई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी थी है? इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी थी? गीता गोपीनाथन जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं नुपेंद्र मिश्रा जी। आपको बता दें, ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख सचिव थे। और वाइस चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अर्जुन मुंडा जी को। आपको बता दें कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री भी हैं अर्जुन मुंडा जी। और तीर अंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में, और इसमें भारत की ओर से नेतृत्व किया है हमारे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने, और पीयूष गोयल जी रेल मिनिस्टर भी हैं। विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और इसके चेयरमैन कौन है? क्लास श्रॉब जी। बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
एसबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गुजरात के मनोज शशिधर जी को। अब आपको बता दें कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला जी। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा द बैंकर नामक ओरिजिनल फिल्म रिलीज की जाएगी? तो ये रिलीज की जाएगी एप्पल कंपनी द्वारा। किस द्वारा? एप्पल कंपनी द्वारा। और एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। और एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। हाल ही में फ्रांस देश ने गाफा टैक्स लगाने की घोषणा की थी कुछ ही समय पहले। अब गाफा का मतलब, गाफा का मतलब है गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल। और एप्पल कंपनी पर 3% टैक्स लगाने की घोषणा की थी, यही है गाफा टैक्स। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है भारत ने। और इस मिसाइल को बनाया है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना हुई 1958 में। आपको बता दें कि 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और DRDO के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी जी। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने HURL के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया है? क्या है? अपना यूरिया सोना उगले। तो यह लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय रासायनिक उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा जी ने। और अभी तक हमारे भारत में यूरिया के अभी तक 31 कारखाने हैं यूरिया बनाने के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी जल भंडारण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। हमारे केंद्रीय जल मंत्री कौन है? तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से हैं। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। और हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में कृषि मंथन के पहले संस्करण का भी आयोजन किया गया। और भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। हाल ही में सरदार पटेल जी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का आयोजन भी गुजरात में किया जा रहा है। और कई डैम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ है? ये गुजरात में है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस राज्य में चापचार कूट उत्सव मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा मिजोरम में। ये उत्सव किसान अपनी ज़मीन को नई फसल बोने के लिए तैयार करने की खुशी में मनाते हैं। बात मिजोरम की है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा जी। और गवर्नर है PS3 धन पिल्लई जी। और 2019 में मिजोरम के रंगीन साल मिचू पुनाचे को भी GI टैग मिला था। ये शाल है एक। और भारत और जापान का संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ था धर्मगार्जियन, तो वे भी मिजोरम में ही हुआ था। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। और बांग्लादेश के ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। उसमें ईरानी फिल्म कैस्टल ऑफ ड्रीम ने एशिया श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और भारतीय फिल्म फाइनली लव को विश्व बेस्ट ऑडियंस फिल्म का अवार्ड दिया गया था और इसके निर्देशक थे अनजान दत्त जी। आपको बता दें कि ढाका फिल्म फेस्टिवल की थीम थी बेटर फिल्म
बेटर ऑडियंस और बेटर सोसाइटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। आपको बता दें, एक भारतीय रेल ने भी 2030 तक जीरो कार्बन, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की है, और भारत का 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का भी लक्ष्य है। अमेजन ने भी 2040 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने की घोषणा की है, और ब्रिटेन देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की है। वह ऐसा लक्ष्य रखने वाला दुनिया का पहला देश बना है। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का निर्माण करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इस सुरंग द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोनमार्ग को हर मौसम में देश से जोड़ा जाएगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सोनमार्ग को जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब इसका यही हल है, सुरंग बना दी जाए। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर कर दिया गया, ये हिमाचल में है। और जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासेरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही कोलकाता बंदर का नाम कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में है। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति का निधन हो गया है, जो नेपाल से थे। कहाँ से थे? नेपाल से। अब आपको बताना है उनका नाम। तो उनका नाम था खगेंद्र थापा, और उनकी लंबाई मात्र 2 फीट 2 इंच और कुछ सेंटीमीटर थी। 2011 में वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हुआ था सबसे छोटे व्यक्ति का। और दुनिया से सबसे छोटा महिला कौन है? ज्योति आमगे जी। क्या नाम है इनका? ज्योति आमगे जी। और भारतीय क्रिकेट, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट की सुपर फैन दादी के नाम से जाने वाली चारुलता पटेल का भी निधन हो गया है। इसे सुपर फैन दादी के नाम से जाना जाता था। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी 18,000 किलोमीटर से अधिक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है बिहार में। और इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या था ऐसा करने का? तो इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना। अब बात बिहार की है, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और गवर्नर है फागू चौहान जी, और कुछ समय पहले ही पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? संजय करोल जी। और प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी बिहार के कौन से राज्य में? बक्सर में। और बिहार के भागलपुर में राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। और हाल ही में SDG की रिपोर्ट आई थी, जिसमें केरल राज्य टॉपर रहा था और बिहार का रैंक क्या रहा था? अंत में। और काफ़ी फेमस मधुबनी पेंटिंग का संबंध भी बिहार राज्य से है, और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बिहार में है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी बिहार में खुला है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ है? ये भी बिहार में है। हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन पर पैट्रियटी नाम पुस्तक का विमोचन किसने किया है, और ये किसने लिखी है? इस पुस्तक का विमोचन हमारे पूर्व PM श्री मनमोहन सिंह जी ने किया है, और इस पुस्तक के लेखक है केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी। और हाल ही में विनिंग सिक्सर नामक पुस्तक
WV रमन जी ने लिखी है और ये हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं और हाल ही में महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं और इस पुस्तक का विमोचन अनिल कुंजी ने किया और मैं ये आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई एक बुक जिसका नाम क्या है, कर्म योद्धा, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के MD/CEO नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अतनु कुमार दास जी को। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD/CEO किसे, संजीव चड्ढा जी को। केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर जी को। और SBI के MD/CEO के रूप में किसे, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत थी जो अब वर्ल्ड बैंक की CFO बन गई है। SBI के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार जी, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। और IDBI बैंक के डिप्टी मैनेजर सुरेश किशन संजीव ने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइक्लोटॉन का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन, किरण रिजिजू जी ने किया है। और हाल ही में गोवा में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने भी जा रहा है गोवा के मोपा में। अब गोवा की राजधानी है पणजी, वो जो कि मांडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। देश का पहला GI स्टोर कहाँ खुला था, गोवा में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा। सौर ऊर्जा से चलने वाली जल टैक्सी को शुरू करने वाला भी पहला गोवा ही बना था। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी गोवा में हुआ था जिसे फॉक्स देख रहा था, कौन, रूस। और इस फेस्टिवल की थीम थी द जॉय ऑफ सिनेमा। और यहाँ पर ही रजनीकांत जी को ग्लोबली जुबली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पांचवा साइंस फिल्म फेस्टिवल भी गोवा में हुआ था। हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने यशस्विनी योजना गोवा में ही शुरू की थी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भी गोवा में ही है। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है, मंजूरी दी है तो ये दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आपको बता दें, पहली है अमरावती जो विधि राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की, और दूसरी विशाखापट्टनम जो कार्यकारी राजधानी होगी, और तीसरी है कर्नूल जो न्यायिक राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है, तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत 18 से 70 साल की आयु तक के किसान की खेत में कार्य करते समय अगर दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना हो जाने पर या कोई काम करते समय विकलांग हो जाने पर सरकार उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन समर्थन योजना भी लागू की थी, कुछ समय पहले ही ये योजना लागू की थी। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निवास क्षेत्र भी लखनऊ में है।
और हाल ही में लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम लगाया गया था, जिसमें आप 150 रुपये देकर अपना हेल्थ चेक करवा सकते हो। और लखनऊ में ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी, जिसकी थीम थी फिट इंडिया फिट यूथ। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन अटल जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति का भी अनावरण मोदी जी के द्वारा यूपी के लखनऊ में ही किया गया था। 25 दिसंबर जी को अटल जी का जन्मदिवस होता है। और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के नोएडा नोएडा में ही बनेगी। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यूपी के कुशीनगर में बनेगी। और हाल ही में यूपी के नोगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। और गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा। देश का पहला हाथी अस्पताल भी यूपी के मथुरा में है। और देश का पहला आदर्श खेल गांव भी मुजफ्फरनगर में बनेगा। और जानवरों का पहला डीएनए बैंक ये बरेली यूपी में है। हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में आरबीआई किस स्थान पर रहा है? तो आरबीआई रहा है इस रैंकिंग में छठे स्थान पर। मतलब सोना खरीदने के मामले में आरबीआई छठे स्थान पर है। हाल ही में आरबीआई के पास कितना गोल्ड है? तो आरबीआई के पास फिलहाल 625.2 टन गोल्ड अभी तक है। सोना खरीदने के मामले में पहले स्थान पर रहा है चीन, और बेचने के मामले में रहा है वेनेजुएला। तो बात करती हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, और उसके सीईओ है डेविड टेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको बता दें कि भारत का स्थान पहले था 51, जो कि 10 स्थान लुढ़क कर नीचे आ गया है। ईआईयू इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक ब्रिटिश कंपनी है, 2006 के बाद सबसे खस्ता हालात लोकतंत्र की सन 2019 में इस रिपोर्ट के मुताबिक बताई जा रही है। इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है नॉर्वे, और अंत में स्थान मिला है नॉर्थ कोरिया को। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? कौन सा सबसे प्रदूषित शहर? तो ये रहा है जारिया, जो कि झारखंड का शहर है, जारिया। और कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 2014 से 2019 तक सर्वे के मुताबिक टॉप 15 प्रदूषित शहर की लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप 14 शहर भारत के थे। और उसमें नंबर 1 पर प्रदूषित शहर है जो उत्तर प्रदेश का कानपुर था, और दूसरे नंबर पर एनसीआर फरीदाबाद रहा था, और तीसरे नंबर पर रहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है पैरा ओलंपिक एथलीट दीपा मलिक जी को, और उनके साथ पहलवान योगेश्वर दत्त जी को। इस संस्था का उद्देश्य आदिवासी संस्थानों पर या बैकवर्ड संस्थानों पर खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाना है। इस संस्था का गठन 2015 में किया गया था, और इस संस्था के अध्यक्ष है वी के मल्होत्रा जी। पूर्व शूटर अंजलि भगवत और पर्वतारोही बिछेंद्री पाल जी, और क्रिकेटर हरभजन सिंह और फुटबॉलर रेनेडिल सिंह जी भी संस्था में शामिल हैं। और 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
दीपा मलिक जी और बजरंग पुनिया जी को दिया गया था। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसे, किसी ना किसी परीक्षा में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला राजीव गांधी कीर्तन पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को। दिया विश्वनाथ आनंद जी हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि उनकी बायोग्राफी आई थी, कौन सी? मास्टरमाइंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक टेंडर्स 2020 नामक रिपोर्ट किस गठन ने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारों की संख्या में 2.5 मिलियन की वृद्धि है, 165 मिलियन लोगों के पास काम ना होने का भी दावा किया जा रहा है, और 120 मिलियन लोगों ने नौकरी की तलाश करना छोड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके प्रमुख है गाय राइडर जी, और लेबर डे हम कब मनाते हैं? 1 मई को। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के पीएम केपी ओली जी ने जोग बनी विराट नगर सीमा पर इंटीग्रेट चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। ये भारत की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूल में संविधान की पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। तो सभी स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, इसलिए कि जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोकतंत्र के हालात सही नहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी है शिवसेना के, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार जी है, और गवर्नर है भगत सिंह जी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं, और 20 रुपये के नोट के ऊपर एलोरा की ही गुफाएं का चित्र उल्लेख है। आपको बता दें कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ही बॉम्बे में ही हैं, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बॉम्बे में है। दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हिपर परियोजना महाराष्ट्र में मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए की गई है। हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तरांचल, उत्तराखंड, UK। 2019 में भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट भी उत्तराखंड में हुआ था, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, जिसके अंदर से रामगंगा नदी भी निकलती है, और टेरी डैम भी उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है, जिसे भारत का सबसे ऊंचा डैम के नाम से भी जाना जाता है। देश का दूसरा टुलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा, और भारत और कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध बुआस हुआ था, वो भी पिथौरागढ़ में ही हुआ था, जिसका नाम था काजिन। देश का पहला टुलिप गार्डन कहाँ है? देश का पहला टुलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, जो एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। टुलिप एक पौधा होता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कैटरीना स्केलारोपोलू जी। कौन बनी है? कैटरीना स्केलारोपोलू जी। और इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यह है सोलवर्क जेवडे जी। और बेल्जियम की पहली प्रधानमंत्री महिला सोफी इलुम जी बनी है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना के पटोवा जी बने हैं, और ग्रीस की राजधानी क्या है? एंथेस।
मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री है क्रियोकस जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? इस रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 80, जो पिछले साल 78 नंबर पर था, मतलब 2 स्थान और नीचे आ गया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है डेनमार्क, मतलब सबसे क्रम भ्रष्टाचार जो है डेनमार्क में हुए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताना है ह्यूमन रोबोट का, तो उसका नाम है व्योमित्र। क्या नाम है उसका? व्योमित्र। बनाया किसने है? इसरो ने। गगनयान मिशन के तहत दिसंबर 2021 में 3 यात्रियों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये 3 यात्री रूस से प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्योंकि भारत के पास अभी तक खुद का प्रशिक्षण केंद्र है ही नहीं। अब भारत अपना प्रशिक्षण केंद्र जो है बेंगलुरु में बनाने की घोषणा की है, जिसे बनने में तकरीबन 3 साल लग जाएंगे, और भारतीय फ्लाइट सर्जनों को ट्रेनिंग भी फ्रांस दे रहा है। आपको बता दें कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, और इसरो ने इस साल का पहला सैटेलाइट GSAT-30 को भेजा है। GSAT-30 इसरो तमिलनाडु में दूसरा लॉन्च पैड भी स्थापित करेगी। इसरो कर्नाटक में अपना चौथा अंतरिक्ष अकादमी केंद्र बना रही है। इसरो सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन 2020 में लॉन्च करेगी। इसरो का मुख्यालय क्या है? बेंगलुरु में है। और इसरो के चेयरमैन है के सिवान जी, जिन्हें रैकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में शीर्ष राज्य कौन रहा है? शीर्ष राज्य रहा है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा, और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण असम के गुवाहाटी में हुआ था। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ खेल ने 2 नई गेमों को शामिल किया गया। वह गेम कौन सी है? वह गेम है लॉन बर्न्स और साइकिलिंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के भुवनेश्वर में फरवरी में होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है प्रिया प्रकाश जी, ये भारत हेल्थ सेटगो के संस्थापक हैं। प्रिया प्रकाश जी भारत हेल्थ सेटगो की संस्थापक हैं। हेल्थ सेटगो एक संगठन है जो बच्चों की सेहत के प्रति जागरूकता और सुधार लाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो गई है फिलहाल, जिसमें आईटी गवर्नर्स कम्युनिटी का चेयरमैन HCL के CEO ओशी विजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए G77 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा साउथ अमेरिकन देश गुहाना। कौन सा देश? गुहाना। आपको बता दें कि भारत G77 का भी मेंबर है। फिलहाल इस ग्रुप में 135 मेंबर हैं। गुहाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, और मुद्रा है गुहाना $। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM से कार्डलेस कैश निकासी शुरू की है? ये शुरू की है ICICI बैंक ने, और इस बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसके MD CEO है संदीप बख्शी जी, चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी अध्यक्ष हैं। हाल ही में ICICI और एक्सिस बैंक ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद करने की भी घोषणा कर दी है। और नोट गिनने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक ICICI बना था। बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत ने किस देश में अपना पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र खोला है? तो ये खोला गया है अफ्रीकी देश नाइजर में। इसका उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति महामोदियो सोफोजी ने किया था। नाइजर की राजधानी नियामी है। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने मेंटन कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और दीवान सिंह पवार ने। ये कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ये दोनों निशानेबाज है ना, ये राजस्थान के जयपुर से हैं। कुछ ही दिन पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक निशानेबाजी में भारत पहले स्थान पर रहा था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी से शुरू होने वाले 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री कौन है? तो ये देश रहेगा रूस। ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला माना जाता है। नई दिल्ली में वर्ल्ड पुस्तक मेला हुआ है जिसमें कोई फोकस देश नहीं रहा था और जिसकी थीम थी द गांधी राइटर सर राइटर। इसकी थीम जरूर याद रखना आप लोग, क्योंकि थीम ऑफ्टन ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और दिसंबर में मैक्सिको पुस्तक मेला हुआ था जिसमें फोकस देश कौन सा था? भारत। और नवंबर में सार जहां पुस्तक मेला यूनाइटेड अमर अमीरात में हुआ था यूएई में, जिसमें फोकस देश था मैक्सिको। और इस पुस्तक मेले की थीम क्या थी? ओपन बुक्स ओपन माइंड। और 2019 के जून जुलाई में अबू धाबी पुस्तक मेला हुआ था, इसमें रूस देश जो है फोकस कंट्री रहा था। सॉरी, 2019 के जून जुलाई में अबू धाबी पुस्तक मेला हुआ था रूस में, तो उसमें फोकस देश रहा था भारत। 2020 के मार्च में पेरिस बुक मेला होगा जिसमें फोकस देश भारत होगा। जो पेरिस बुक फेयर होगा उसमें होगा भारत। और 19 के जून जुलाई अबू धाबी पुस्तक मेले में जो फोकस देश था वो रूस ही था। बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही कोलकाता में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था जिसमें फोकस देश था जर्मनी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए वुमेन विद व्हील नामक टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यह टैक्सी सेवा केवल महिलाओं के लिए ही होगी और इन्हें महिलाएं ड्राइवर ही ऑपरेट करेगी। और इस टैक्सी में सिर्फ महिलाएं ही जा सकती है। अगर किसी पुरुष के साथ कोई महिला है तो ही वो जा सकता है, अदरवाइज अकेला पुरुष उस टैक्सी में नहीं जा सकता। यह टैक्सी सेवा सखा केब नामक टैक्सी सेवा एजेंसी ने शुरू की है। किसने किया? सखा केब नामक। और कुछ ही समय पहले की बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कोलकाता में है जो कार्बन उत्सर्जन की कमी के कारण मामले में चर्चा में था। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, फिर तो आपने बताना है कहाँ? कोलकाता में। और बिजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिजू जनता पार्टी से याद आ गया आपको, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ये भी कार्बन उत्सर्जन के मामले में काफ़ी चर्चा में रहा था। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, यही कार्बन उत्सर्जन के मामले में चर्चा में रहा था। और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल पोर्ट भी केरल का ही है, यही भी इसी के कारण चर्चा में था। ये सभी हवाई अड्डे कार्बन उत्सर्जन के कम किया है जिसके चलते ये चर्चा में है और इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना।
और हाल ही में जारी कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्थान 5वां रहा है और अमेरिका का 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर दिया गया है था, और अब इसकी राजधानी क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आप यूँ समझो ये छप गया है, बस ये छपा मिलेगा आपको। अब आपको इसकी राजधानी बताना है, तो इसकी राजधानी बन गई है दमन। बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। आपको बता दें ये था राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो कब होता है? वो 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, और हमारे बाल कल्याण मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी, और जिनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है अमेठी, जहाँ से इन्होंने राहुल जी को हराया था। और 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, जो उसका पहला संस्करण 2019 में मनाया गया था और दूसरा 24 जनवरी 2020 को, इसलिए ये शायद एग्ज़ाम में पूछने के चांस बन सकते हैं, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आपको बता दें कि हाल ही में UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा बना है? तो ये बना है रिलायंस जियो। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारे डोनर मंत्री है, जिन्होंने भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जानवरों की याद में युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यूपी के मेरठ में। इसमें सैनिकों के साथ साथ जिन जानवरों के युद्ध में असाधारण कार्य किए और शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाए जाएंगे। सबसे पहले स्मारक बनेगा लेब्रा डॉग मानसी का बनाया जाएगा। अब बात यूपी की है, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को हेल्थ ATM भी लगाए गए हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन भी हुआ है, जिसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, और अटल जी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी लखनऊ में ही किया गया है, और उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना भी शुरू की है। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? नोएडा में। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में। बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? तो ये बनाया है स्विट्जरलैंड में, और ये 2.96 mm का है। वह इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन जी का चित्र भी बना हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर में स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर जी के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने सिक्के भी जारी किए थे। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जिंदा रहते हुए सिक्कों पर फोटो बनी है, ये बहुत ही गर्व की बात है उनके लिए। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। मुद्रा फ्रैंक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, और विश्व आर्थिक सम्मेलन भी स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आंध्र प्रदेश। और जहाँ फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा आंध्र प्रदेश, वहीं सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा रहा, शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? ये रहा है पश्चिमी बंगाल।
तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो हमारे कृषि मंत्री है श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। बढ़ते हैं आगे जल्दी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? ये कर दिया है मध्य प्रदेश राज्य ने। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया था और कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को भी अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी एमपी की राजधानी भोपाल में ही शुरू हुआ था। और कुछ दिन पहले स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत सबसे साफ शहर भी भोपाल के नज़दीकी शहर इंदौर को चुना गया था। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिल्म स्टार गोविंदा जी। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य एमपी। देश का पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ पर बनेगा? छतरपुर में, याद रखना। और देश का पहला मकड़ालय भी एमपी में जबलपुर में बनेगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास में मेगा फूड पार्क बना है जिसका नाम क्या था? अवंती। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खिलाड़ियों के लिए राज्य के नियुक्तियों में 5% का आरक्षण देने की भी घोषणा की है। और मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ जी। गवर्नर है लाल जी दास टंडन। और आपको बता दें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पांडुचेरी में। कहाँ पर? पांडुचेरी में। इस प्रोग्राम का उद्घाटन पांडुचेरी के राज्यपाल कौन? श्री किरण बेदी जी ने किया था। हाल ही में ट्राइबल क्राफ्ट मेला उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। मेला जो है ना, ट्राइबल क्राफ्ट मेला, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ट्राइबल डांस मेला, वो कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। हमारे ट्राइबल मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी। हाल ही में इन्हें तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिनाकार किस देश की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ अरब क्षेत्र की भी पहली महिला रक्षा मंत्री भी बनी है? तो ये बनी है लेबनान देश की। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरत। और मुद्रा कौन सी है? लेबनानी पाउंड। प्रधानमंत्री कौन है? हसन दियाब जी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है कुमार मुन्नन सिंह जी ने। किसने? कुमार मुन्नन सिंह जी ने। पुरस्कार हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 फरवरी को दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और पीएम स्कॉट मॉरिसन है। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किरण मजूदा शाह जी को दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार द डॉन टेनिस प्लेयर एस ए भाटी जी को दिया गया था। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष गर्ग जी। कौन? आशीष गर्ग जी। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नगेंद्र राव जी। बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेगा? ये भाग लेगा नॉर्थ कोरिया। कितने सालों के बाद? 56 सालों के बाद। और इस सम्मेलन की स्थापना 1963 में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्र एक कार्ड योजना कब से लागू की गई? तो ये लागू की होगी 1 जून से। इसके तहत आप
अपने राशन कार्ड से पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी अपने राशन कार्ड का सामान ले सकते हैं। हमारे उपभोक्ता मंत्री कौन है? यह है रामविलास पासवान जी। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में किन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बच्चों हाईलाइट किया गया है। तो ये किसे किसे दिया जाएगा, इनके नाम आपको बता दूं। इनके नाम है, एक तो अरुण जेटली जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, और जॉर्ज फर्नांडिस जी को मरणोपरांत दिया जाएगा, ये हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे। सुषमा स्वराज जी को भी मरणोपरांत दिया जाएगा। एम सी मैरीकॉम को खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा, और श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को भी ये सम्मान दिया जाएगा, जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और छन्नू लाल मिश्र जी को यह सम्मान दिया जाएगा, ये यूपी के शास्त्रीय गायक हैं। विशेष तीर्थ स्वामी जी को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा अध्यात्मिका के लिए, और इनको ये मरणोपरांत दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई पासपोर्ट सुविधा देने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिणी एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। इससे पहले ई पासपोर्ट सुविधा देने वाले 118 देश हैं और ये 119वां बना है। सबसे पहला बांग्लादेश ने ई पासपोर्ट प्रधानमंत्री श्री शेख हसीना जी का बनाया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और बिम्सटेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में है। भारत की सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन है जो वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को ना कुछ समय पहले ही वैक्सीन हीरो अवार्ड और डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कोच ना हाल ही में सेल डोमिंगो जी बने हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी ढाका में हुआ था, जिसकी थीम क्या थी, थीम जरूर याद रखना, उसकी थीम थी बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस और बेटर सोसाइटी। बांग्लादेश ने अपना उच्चायुक्त भारत में मोहम्मद इमरान जी को नियुक्त किया है। आगा खां वस्तुकला पुरस्कार भी बांग्लादेश की एक स्कूल परियोजना को दिया गया था। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलवा नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तियार अब्बासी नकवी जी द्वारा। नाम याद रखना, बलवा, कलवा नहीं, बलवा। यह लिखा गया है हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तियार अब्बासी जी द्वारा, और इनके द्वारा ना एक और उपन्यास भी लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राजलीला। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने किसे भारत का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें, सॉफ्ट बैंक ये एक जापान की टेलीकॉम कंपनी है, ना के पैसों वाला बैंक, ये पैसों वाला बैंक मत समझ लीजिएगा, ये एक टेलीकॉम बैंक कंपनी है, जिसका भारत में प्रमुख है जो मनोज कोहली जी को नियुक्त किया गया है। सॉफ्ट बैंक के सीईओ कौन है? यह है मसायुशी सोन, और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। और आपको बता दें कि हाल ही में चल्ला श्रीनिवासी सुल्लू शेट्टी जी को SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए थे। बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? ये अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स जी को शामिल किया जाएगा। किसको? अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स जी को शामिल किया जाएगा। काफ़ी फेमस नाम है ये, आपने सुना भी होगा। कुछ समय पहले ही अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी टाइगर वुड्स जी को सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
से भारतीय किरण मजुमदार जी को सम्मानित किया जाएगा था। और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय है। मैं आपको ये इस वीडियो में तीसरी बार बता रहा हूँ, अब तो आपको याद हो ही चुका होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेनिस प्लेयर एशली बार्टी जी को डॉन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और गैरी वुडलैंड भी अमेरिका के मशहूर गोल्फर हैं और हाल ही में उन्हें यूएस ओपन का खिताब जीता है। गैरी वुडलैंड कहाँ के हैं? अमेरिका के। और एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, याद रखना आप। हाल ही में अर्जुन बार्टी, ये भारतीय गोल्फर है, उन्होंने वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप में जीती थी। और गगनजीत भुल्लर, काफ़ी नाम सुना होगा गगनजीत भुल्लर, ये भारतीय गोल्फर ही हैं जो पंजाब के कपूरथला जिले से हैं। हाल ही में सुनीता चंद्रा पूर्व कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम का निधन हो गया है। इनका नाम पूछा जा सकता है, सुनीता चंद्रा, ये हॉकी टीम से बिलोंग करती थी। पढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूरीनाम के लिए $35.8 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? किस बैंक ने की है? ये जारी की है एक्जिम बैंक ने। ये सूरीनाम के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए जारी की गई है। और इस बैंक का पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। और इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डेविड रिस्किनाज़ी। सूरीनाम साउथ अमेरिका का ही एक देश है, साउथ अमेरिका का। और सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? पेरामेरिबो। आपको बता दें कि ये एक है ना क्रिश्चियन देश है। और गर्व की बात यह है, इसकी कुल आबादी में 23% है जो हिंदू रहते हैं। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इस देश के राष्ट्रपति है देसी ब्यूटर जी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, अप्रैल में पहले सागरमाता संवाद संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहला आयोजन है, इसका पहला संस्करण है, इसलिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम के, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लाकर कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। तो ये किया जाएगा नेपाल में, इसका आयोजन जो है नेपाल में किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने ना इस आयोजन में पाकिस्तान और भारत के पीएम को भी निमंत्रण भेजा है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्लाइमेट चेंज माउंटेंस एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको बता दें नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है और पीएम है केपी ओली जी और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी। आपको बता दें सारा का मुख्यालय भी नेपाल में ही है। हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया जाएगा केरल को। किसे? केरल। कुछ समय पहले केरल सरकार ने ये घोषणा की थी कि पर्यटन स्थलों को ना दिव्यांग लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा, इसी के चलते ही ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ना, वो भी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। और भारत में पहली सुपर फैब लेबोरेटरी की स्थापना भी केरल राज्य में ही हुई है और ये लेबोरेटरी पूरी तरह से डिजिटल है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई व्यंजन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। और मोहिनी आइटम डांस कहाँ का है? केरल का। मसालों का बाग भी केरल को बोला जाता है और केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं एस मणि कुमार जी। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन सा है? केरल का मलप्पुरम। पूछा जा सकता है आपको कि मलप्पुरम शहर किस राज्य का है? तो यह है केरल। आज तक केरल राज्य में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है।
हाल ही में विवादों से घिरे CAA एक्ट का विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल। और लागू करने वाला पूछा जाए तो वो कौन सा बना था? यूपी। और यूपी है जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। और एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश आपराधिक मामलों में भारत में नंबर 1 पर है और देश का पहला डिजिटल पार्क भी केरल में ही बनेगा। केवल भारत का एकमात्र राज्य केरल है ऐसा जिसके पास अपने 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और केरल का कोची एयरपोर्ट दुनिया का पहला सोलर सिस्टम से चलने वाला एयरपोर्ट भी बना था। और नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में भी केरल नंबर 1 पर आया था। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को खसरा व रुबेला टीके की 30,000 खुराक भेजी है? तो ये भेजी गई है मालदीव को। मालदीव ने इन टीकों को दिए, हमें आपातकालीन मांग की थी जिसके लिए ये भेजी गई है। और आपको बता दें कि भारत मालदीव के साथ मिलकर हूल हुमा द्वीप पर 100 बिस्तरों का कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। ये द्वीप कौन सा है? हूल हुमा द्वीप। और हाल ही में ना पाकिस्तान ने भारत से पोलियो मार्कर भी आयात करने की घोषणा की है। और मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, जनवरी में रिलीज किया जाएगा और इस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है? इसको जनवरी के अंत में रिलीज किया जाएगा। इसके लेखक है एलिस्टेयर सीयर जी, ये है स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख कौन है? एन राम जी। हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख है ये कौन? एन राम जी। इन्हें दिया गया है केरल के मीडिया पुरस्कार। और ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया था? ये पीयूष जायसवाल जी को। और बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को। इनका उपनवास कौन था? स्वपन पास। और ये जो अवार्ड है वो राजस्थान के लोगों को ही दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लोगों को ही दिया जाता है। और आपको बता दें कि 2018 का व्यास सम्मान जो लीलाधर जागुड़ी जी को दिया गया है, कि उनका काव्य संग्रह क्या था? जितने लोग उतने प्रेम। वो 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? नासीरा शर्मा जी को। और इनका उपन्यास क्या था? इनका उपन्यास था कागज की नाव। और वासुदेव मोहित जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है, ये एक सिंधी लेखक हैं, इसका काव्य संग्रह है चेकबुक। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कृषि क्षेत्र में हरित रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? एन कुमार जी को। ये अवार्ड इनको राज्य के छात्रों को कृषि की ओर प्रेरित करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को भी MS स्वामीनाथन जी को भी एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया गया है। और डॉक्टर मुनि रत्नम जी को भी एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। MS स्वामीनाथन जी को ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में और डॉक्टर मुनि रत्नम जी को समाज सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग है दोनों, याद रखना। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिव भोज थाली योजना लॉन्च की है? इस गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को
₹10 में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं। और इसी तरह के योजना हरियाणा सरकार ने भी शुरू की थी, जिसका नाम था अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। उसी में भी ₹10 में खाना दिया जाता था। और महाराष्ट्र के बारे में आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, तो बढ़ते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए 2030 को अपना लक्ष्य रखा है और 2024 तक डिजिटल रेडियो और जल जीवन का भी लक्ष्य रखा गया है। हमारे रेल मंत्री कौन है? हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष यह विनोद कुमार जी यादव, जिनका हाल ही में एक साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और हाल ही में रेलवे प्रोडक्शन फोर्स का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। और भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तेजस। बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर प्राइज 2020 जीता है? ध्यान से सुनना, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर प्राइज 2020 जीता है। तो ये जीता है स्नेहा पामनेजाजी ने। स्नेहा पामनेजाजी ने और इनको ये अवार्ड टिफन रेपर डिज़ाइन करने के लिए दिया गया है। इस फेस्टिवल की थीम क्या थी? लर्निंग ईच अदर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है तरनजीत संधु जी को। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसे नियुक्त किया है? तरनजीत संधु को। और आपको बता दें कि इनसे पहले अमेरिका में जो भारतीय राजदूत हर्षवर्धन जी थे ना, वो अब फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं और उनकी जगह कौन लेंगे? तरनजीत संधु जी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा पाइनियर बैंकिंग नामक संपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया जाएगा इंडसाइड बैंक द्वारा। इस प्रबंधन के तहत अमीरों को अपनी संपत्ति को किस ढंग से मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसके बारे में बताया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रॉबर्ट फ्रा जिनके ऊपर डोप टेस्ट के सकारात्मक पाए जाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? अब ये चर्चा में है तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको भी रॉबर्ट फ्रा किस खेल से संबंधित हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी चर्चा में हो। वो आपको बता दें, ये कोलंबिया के हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। और जैसे हाल ही में कोबी बापट, जो अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर थी, जिनकी हेलीकॉप्टर में के दुर्घटना में मौत हो गई थी, ये भी चर्चा में रही थी, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। ये बास्केटबॉल प्लेयर थी अमेरिका की, कोबी बापट। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के CEO कौन बने? तो भारतीय बैंक संघ के CEO बने हैं सुनील मेहता जी। कौन? सुनील मेहता जी। अब भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने हैं अतुल कुमार दास जी और बड़ौदा बैंक के संजीव चड्ढा जी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर के नए PM कौन बने? तो भाई इनके PM का नाम है ना, जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इनका नाम है
सैफ खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो ही गया होगा। सैफ खालिदा बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी, ये तो भाई ऑप्शन आप एग्ज़ाम में देखते ही टिक कर दोगे। कतर की राजधानी कौन सी है? यह है दोहा और मुद्रा रियाल। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो भी कतर में होगा। और 2019 में कतर इंटरनेशनल कप हुआ था, जिसमें भारतीय वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया शशि कपूर की बेटी संजना कपूर जी को। उनको ये पुरस्कार थिएटर जगत में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला भाई प्रथम पुरस्कार? तो ये पुरस्कार दिया गया है असम राज्य की झांकी को। और 2020 का गणतंत्र दिवस है, ये 71वें नंबर का था, 71 नंबर का, ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व सबसे बड़ी वार थ्रू पक्षीशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको अक्सर ही पता है, पंछियों और जानवरों के बारे में जो भी कुछ होता है वो अक्सर उत्तर प्रदेश में ही होता है, लेकिन ये यूपी में नहीं हुए। इसका उद्घाटन शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई में किया है, वीर माता जीजाबाई घोंसला उद्यान में। कौन से कहाँ पर? वीर माता जीजाबाई घोंसला उद्यान में। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वीर माता जीजाबाई घोंसला उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि इस पक्षीशाला में 100 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां रखी जाएगी। और महाराष्ट्र के बारे में आपको ऊपर बता चुका हूं, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपूत को सेना में शामिल किया जाएगा जो रडार की पकड़ में ही नहीं आता है? इसका नाम है INS करवती। एक बार फिर से सुन लो, भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेना में शामिल किया जाएगा जो रडार की पकड़ में नहीं आता है? इसका नाम है करवती। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? ये प्रस्ताव भेजा गया है लद्दाख के लिए। अब होता क्या है इसी 6वीं अनुसूची में? इस 6वीं अनुसूची में होता है भी किसी राज्य को सेंटर से ज़्यादा फंड मिले, उसकी प्रगति के लिए कुछ अहम कदम उठाए जाए, इसके लिए उस राज्य को 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। और इससे पहले भी भारत के कुछ और राज्य भी अनुसूची में शामिल है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये राज्य भी 6वीं अनुसूची में शामिल हो गया। इनका केंद्र सरकार से अलग से बजट आता है। बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी की आत्मकथा का विमोचन किया गया है, इनकी आत्मकथा का नाम बताएं। आपको बता दें कि इनकी आत्मकथा का नाम है रिलेटलेस। और इस आत्मकथा का विमोचन हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। आपको बता दें कि यशवंत सिंह जी है ना, इन्होंने विदेश मंत्री का भी पदभार संभाला था। और आपको बता दें ये राजस्थान के बाड़मेर से हैं और अपनी सेवाएं सेना को भी दे चुके हैं।
2001 में यशवंत सिन्हा जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान भी दिया गया था और ये दार्जिलिंग से सांसद बने थे। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे 2020 का टाइलर पुरस्कार या पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी आप इसे बोल सकते हैं, टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पवन सुखदेव जी को। इनको ये पुरस्कार हरित अर्थव्यवस्था पर कार्य करने के लिए दिया गया है। पवन सुखदेव जी ये भारतीय अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं। क्या नाम है इनका? पवन सुखदेव जी। और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नौकायान वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आपको बता दूं ये बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये बनी है नेत्रा कुमान जी और ये केरल राज्य से है। नेत्रा कुमान जी ने कांस्य पदक जीता है और इस नौकायान कप में स्वर्ण पदक जीता है अमेरिका की एरिका रेनिका जी ने। ये नौकायान विश्व कप मियामी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टॉम टॉम ने वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा चुना है? तो ये चुना है बेंगलोर और दूसरे स्थान पर रहा है फिलीपीन का मनीला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा जी को उनकी बुक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। ये बुक कौन सी है? ये बुक है बी कमिंग। मिशेल ओबामा जी ने इस बुक में व्हाइट हाउस के अनुभव को व्यक्त किया है और 2006 में बराक ओबामा जी को भी इसी कैटेगरी में ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और 2008 में बराक ओबामा जी को द ओडो सिटी ऑफ होप के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने और आपको बता दें कि दिसंबर में अपना पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश ने भी शुरू किया था। तो उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और कंधमाल हल्दी को जी आई टैग भी मिला था 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें एक्सपोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगी? भुवनेश्वर में फरवरी में। खेलो इंडिया यूथ गेम असम के गुवाहाटी में हुई थी और उड़ीसा के शौचालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लोक सेवा भवन उड़ीसा के। हाल ही में उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन में आईटी एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता है और कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में, ब्लैक पगोड़ा मंदिर उड़ीसा में, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम भी महानदी पर है वो भी उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, उड़ीसा के वीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, हाल ही में पूर्वी तट रेलवे ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है और इस प्लांट में ना पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक का लाइट बायोडीजल बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है NTPC और ग्रुप डी के लिए।
और 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद भी उड़ीसा के चंद्रानी मुर्मू जी ही बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये वर्ड चुना गया है संविधान। याद रखना, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को हिंदी वर्ड, क्या नाम आ रहा है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बोले तो संविधान। अगर ऐसे पूछा जाए द वर्ड ऑफ द ईयर, तो वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये चुना गया है क्लाइमेट एमरजेंसी। कंफ्यूजन मत होना दोनों में। तो बढ़ते हैं आगे, और ये है हमारा आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है, और इस सम्मेलन में आलू से क्षेत्र से जुड़े जो भी मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श किया गया था, और इसमें पार्टनर देश रहा था नीदरलैंड। ये पहला सम्मेलन है ना, ये 1999 में हुआ था, और दूसरा 2008 में, और तीसरा अब 2020 में हो रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू गुजरात राज्य ही उत्पन्न करता है, और हमारा आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों, ये थी जनवरी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पार्ट नंबर 2। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो बड़े गौर से देखी होगी, और अगर आप सारी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आपका करंट जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप निरंतर निरंतर इस वीडियो को केवल एग्ज़ाम के टाइम, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम से 2 दिन 1 दिन पहले एक बार अवश्य और देख जाएं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूज ना रहे। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप सर डेज वाले वीडियो, डेज जो है इम्पोर्टेंट डेज है, वो नहीं करा रहे। तो मैं आपको बता दूं सर, इसमें ना हमने स्पेशल डेज के ऊपर एक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दी गई है, उसमें सूरज सर के द्वारा सभी इम्पोर्टेंट डेज है वो ट्रिक से कराए गए हैं। तो ऐसे तो कोई याद होता नहीं है, आपको भी पता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज है हमने ट्रिक से करा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा वो। आप एक बार वीडियो देखने के बाद आपको, मैं उम्मीद करूँगा उसमें से 90% डेज है जो आपको एक बार देखने में ही याद हो जाएंगे। और साथियों, मैं जैसे भी टाइम निकलता है तो मैं आपको स्पोर्ट्स के ऊपर ना एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, जिसमें पिछले 6 महीनों की जो भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी हुई है, जो आगामी प्रतियोगिताएं होने वाली है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, कौन सी प्रतियोगिता, कौन सा कप, कौन से किस देश में होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इच्छा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये हमारी पसंद आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नमस्कार, टेक केयर, बाय।